तो एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि पिछले कर्मचारियों की हड़ताल पर एक बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। 7 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड की गई हैं, तो करीब 6,000 संविदा कर्मचारी बर्खास्त किए जा सकते हैं। तो एस्मा कानून पर 1 साल तक जमानत नहीं होगी और शाम तक बताया जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो हड़ताल खत्म करने की घोषणा भी कर सकता है संगठन, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। 7 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड की गई हैं, साथ ही 6,000 संविदा कर्मचारी बर्खास्त। तो एस्पा कानून पर 1 साल तक जमानत नहीं होगी, शाम तक हड़ताल खत्म हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर सकता है संगठन, एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। तो प्रदेश में 72 घंटे से जा रहे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं से लेकर औद्योगिक इकाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के तल्ख तेवरों के बीच शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के बीच आपको बता दें कि बात जो थी वो हुई थी, लेकिन आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा नहीं पहुंचे जिसके चलते बात नहीं हो पाई। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लेकिन सरकार का रुख अब भी पॉजिटिव होना चाहिए, बातचीत तो नेगेटिव थोड़ा होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए बहुत सी बातें हैं कर्मचारियों के हित में, आप पर भी FIR हो गई है मुझे मालूम है, अब 749 पे आप पे भी FIR हो गई मुझे मालूम है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हमको तो हमने थोड़ा FIR करवाया नहीं, एक तरफ नहीं एक तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तमाम पदाधिकारी बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ FIR की सूचना आ रही है, इसको लेकर क्या आप? तो आपको बता दें कि प्रदेश में 72 घंटे होने को हैं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को, और आपको बता दें कि हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं से लेकर औद्योगिक इकाइयों को तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के तल्ख तेवरों के बीच शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की चर्चा के दौरान किसी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की चर्चा होनी थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री AK शर्मा नहीं पहुंचे जिसके चलते चर्चा नहीं हो पाई। तो इसी खबर पर देख के जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात करें तो जो हड़ताल हो रही हो, हड़ताल को 72 घंटे होने को, ऐसे में क्या कुछ अभी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है हड़ताल को लेकर? देखिए उदय, आपको बता दें 72 घंटे हो चले हैं उत्तर प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी है उनका हड़ताल जारी है। नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जनपद है, जो जनता है, वो बिजली से त्राहिमाम कर रही है। लगातार जिस तरीके से 72 घंटों से बिजली विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके चलते जिस तरीके से जो व्यवस्था है बिजली विभाग की वो कहीं ना कहीं जो है आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी अविनाश, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। जी उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, हालांकि उनसे एक दौर की बातचीत में किसी तरीके से कोई हल नहीं निकला है, जिसके बाद लगातार अभी भी जो बिजली कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। हालांकि आज रात 10 बजे जो बिजली कर्मचारियों का जो हड़ताल है वो रात 10 बजे तक का ही सीमित समय है, लेकिन इसके बाद ये हड़ताल जो है आगे इसके बाद जारी रहेगी या हड़ताल ये आज रात 10 बजे खत्म हो जाएगी, ये निर्णय अब उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है ऊर्जा AK शर्मा उनकी बैठक के बाद ये तय पाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जो पहले से पहले जो बैठक हुई थी किसी घंटों पहले, उसमें जो है मंत्री AK शर्मा शामिल नहीं हुए थे, तो उसने साफ नाराजगी जाहिर की थी विद्युत विभाग के जो अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे हैं जो इस पूरे जो है हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले 1332 लोगों का कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं उसमें से अलग अलग जगहों पर जो है लोगों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही आपको बताएं राजधानी लखनऊ में जो हड़ताल यहाँ पर चल रही थी जिसका नेतृत्व शैलेंद्र दुबे कर रहे थे, जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन पर भी जो है हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई। उस FIR में 22 लोगों के नाम है जो इस पूरे हड़ताल में शामिल है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली
जो कुल हो रही है, जो बिजली की जो समस्याएं हैं, जो जनता जूझ रही है उनसे, उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि तमाम जो जो जिस तरीके से ये हड़ताल है उसे खत्म किया जाए और हम बैठ कर इस बात का समाधान निकालेंगे, लेकिन इन पूरे मुलाकातों में जिस तरीके से बैठक हुई आपने देखा होगा, उन्होंने प्रेसवार्ता की, लोगों को संबोधित किया, कर्मचारियों को जो है उन्होंने कई संदेश भी दिए और कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी तरीके से जो है अगर सरकार की अगर क्षति पहुंचती है, तमाम जो आपने देखा होगा कि तमाम जो जनपदों में लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, कई जो फीडर है वहां पर भी कई तरीके से जो लाइनें हैं उन्हें काट दी गई, तो इन सब सरकारी चीजों को जब आरोप लगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक साफ रुख जो है उत्तर प्रदेश सरकार को देखने को मिला। उसके बाद बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आई, हालांकि पहले राउंड की जो बातचीत है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन कुछ घंटों बाद ये कवायद लगाई जा रही है कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और तमाम जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होंगे, तो शायद उम्मीद जताई जा रही कि आज रात 10 बजे तमाम जो विद्युत कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल जो है आज रात 10 बजे तक कम। अविनाश अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि 7 जो बिजली कंपनियां हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और करीब 6,000 जो कर्मचारी उनको बर्खास्त किया गया। ऐसे में आपका ये कहना है कि आने वाले अभी कुछ समय में एक मीटिंग होने वाली ऊर्जा मंत्री के साथ, क्या कुछ मुख्य मांगे होंगी ऐसे में विद्युत कर्मचारियों की कि ज्यादा से ज्यादा वो मांगे जो है वो अपनी ऊर्जा मंत्री के समक्ष रख सके, उनको ऊर्जा मंत्री पूरी कर सके? देखिए बिजली हड़ताल को लेकर उत्तर प्रदेश के जो है जो रुख है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कड़े रुख अपनाते हुए, जिस तरीके से आपने देखा होगा 1332 लोगों को बर्खास्त किया गया था, अभी 6,000 लोगों को जो है जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लैक लिस्टेड दी गई है तमाम कंपनियों को, उनको एक साल का जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उन पर कार्रवाई की, उनकी जमानत देने हो सकती, तो ये सब सारी चीजों को जो इस पूरे हड़ताल को नेतृत्व कर रहे सैमन दुबे उससे जो है खास नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और वो चाहते हैं कि हम बात करके किसी चीज निष्कर्ष को जो है बैठ के मसले पर पूरी बात की जाए, ताकि कोई ऐसा निकल चुके निर्णय की जो पूरे जो है जिस तरीके से हड़ताल चल रही उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इसकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो विद्युत संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र दुबे वो साफ तौर पर सरकार पर ये तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अगर उन पर अगर कार्रवाई करती है तो हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक ये पहुंच जाएगा और तब इसकी जिम्मेदारी खुद उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, तो ऐसे में देखता ये होगा कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 72 घंटों से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ही गई बकाया बल्कि तमाम जो महानगर है वहां पर भी बिजली का संकट आ खड़ा है, अगर इसका रिजल्ट आज नहीं निकलता है तो 72 घंटे के बाद जिस तरीके से हमने बताया आपको कि अनिश्चित काल धरने पर बैठने के लिए जो विद्युत कर्मचारी के जो तमाम कर्मचारी है वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर सरकार और तो जो जिस तरीके से बातचीत का अगर मसला अगर हल नहीं होता है तो इसका मुश्किलों का सामना आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेगा। जी अगर बात करें विनाश तो कब तक लगता है, कब तक इस हड़ताल का समाधान निकल पाएगा, क्योंकि 72 घंटे को होने को है और ऐसे में अगर बात करें तो गांव के साथ साथ अब शहरों में भी बिजली संकट नजर आने लगा है, तो कब तक इस पूरे हड़ताल का समाधान निकलते हुए नजर आ रहा है? देखिए कल ही आपने देखा होगा मंत्री एके शर्मा ने पहले प्रेसवार्ता कर तमाम विद्युत कर्मचारियों को जो एक संदेश दिया कि बैठकर हम इस पूरे मसले को बात करना चाहते हैं, हम जो है बातचीत करके इस पूरे मसले को खत्म करना चाहते हैं, जिसके बाद जो है शाम देर रात जिस तरीके से आपने देखा होगा मंत्री एके शर्मा के आवास पर जो अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे और उनके साथ तमाम जो कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है या वो लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी तरीके कोई जो है उस पूरे बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया, उसी का नतीजा है कि हड़ताल अब भी जारी है। साफ तौर पर आपने देखा होगा कि ये पूरी लड़ाई एमडी देवराज को हटाने को लेकर है, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारी जो विद्युत विभाग के जो एमडी है देवराज जी उनको हटाया जाए, लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। और एक साथ आपको ये भी बताएं कल जब मंत्री आवास पर यहाँ पर बैठक हुई तो उसमें विद्युत विभाग के कई अधिकारी उस बैठक में मौजूद नहीं था, तो यही नतीजा था कि कल की जो बैठक थी वो बेवजह साबित हुई, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लगातार जो है विद्युत कर्मचारी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष है शैलेंद्र दुबे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर हमारे कर्मचारियों पर इस तरीके का अगर मुकदमा अगर करते हैं, उन पर कार्रवाई करते बर्खास्त करते हैं तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी अविनाश तो कह सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री के साथ जो दूसरे दौर की चर्चा होनी है उसके बाद ही आने वाले वक्त में ये पता चल पाएगा कि ये हड़ताल किस ओर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि हड़ताल अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि हड़ताल कहां तक पहुंच पाती है। अविनाश धन्यवाद आपके इस खबर पर जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि प्रदेश में 72 घंटे होने के हैं और अभी भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं से लेकर औद्योगिक इकाइयों को तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के तल्ख तेवरों के बीच शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की चर्चा के दौरान किसी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई थी। यानी कि एक दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन आज दूसरे दौर की बैठक होनी थी लेकिन ऊर्जा मंत्री AK शर्मा नहीं पहुंचे जिसके चलते आज दूसरे दौर की बैठक नहीं हो पाई। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश का कहना है कि ऊर्जा मंत्री के साथ दूसरे दौर की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही ये हड़ताल किसी नतीजे तक पहुंचेगी। तो फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। खबर के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।